Hi friends, welcome to Organic Creations. Uh, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही नया uh, कुछ शेयर करने वाली हूँ uh, मेरे पहले वीडियोस में मैंने आपके साथ बहुत अलग अलग रेसिपीज़ के सोप्स शेयर किए हैं लिप बाम लिप स्क्रब का रेसिपी शेयर किया है uh, लेकिन आज जो हम बनाने वाले हैं यहाँ पे ये यह थोड़ा अलग है uh, मैंने सोचा आप लोग के साथ कुछ नया शेयर करूँ तो आज जो हम बनाएंगे यहाँ पे uh, ये यह स्पेशली छोटे बच्चों के लिए है बेबी पाउडर Uh, अब हमें मार्केट्स uh, में बहुत सारे वैरायटी के पाउडर्स मिलते हैं बहुत बेबी पाउडर्स अवेलेबल है लेकिन उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं हमें पता नहीं वो कितना सेफ़ है हमारे स्किन के लिए और इस्पेशली बेबीज़ के यू नो सेंसिटिव और डेलिकेट स्किन के लिए तो इसके लिए ये जो पाउडर बेबी पाउडर मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो बहुत ही सिंपल रेसिपी है uh, ये इन्ग्रीडियंट्स भी आई एम श्योर यू you नो know, आपके पास अवेलेबल होंगे और आप बहुत ही इजीली ये घर पे बना सकते हो बहुत थोड़े इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है ये पाउडर बनाने के लिए तो आपको इस ये पाउडर बनाने के लिए पहले यहाँ पे लगेगा आरा रूट पाउडर इन uh, केस अगर आपके पास आरा रूट पाउडर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लाप भी यूज़ कर सकते हैं बट आरा रूट पाउडर जो है वो बहुत ही यू नो सॉफ्टनिंग और बहुत अच्छा है स्किन के लिए स्वेट जो हमारा पसीना होता है उसको अब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है तो ये uh, हमने यहाँ पे फोर uh, टेबल स्पून आरा रूट पाउडर लिया हुआ है और यहाँ पे मेरे पास है रोज़ uh, क्ले ये रोज़ क्ले बहुत ही जेंटल क्ले होता है जो हमारे स्किन के ऊपर बहुत जेंटल इफ़ेक्ट देता है एंड इसकी एक बहुत ही यू you नो know, अच्छी सी रोज़ की खुशबू भी आती है इसमें से तो ये अपने आप में ही एक अच्छा यू uh, नो you know, uh, uh, ये खुशबू भी देता है और यहाँ मैंने लिया हुआ है केओलिन क्ले ये मैंने सिर्फ आ, हाफ हाफ टी स्पून लिया हुआ है और ये फोर टेबल स्पून अरारूट पाउडर सो केओलिन क्ले भी बहुत ही माइल्ड और डेलिकेट क्ले होता है जो मोस्टली हम बच्चों के प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं बहुत सेफ़ होता है स्किन के लिए एंड uh, हमको uh, एक एसेंशियल ऑयल की ज़रूरत होगी यहाँ पे बेबीज़ uh, के लिए स्पेसिफ़िकली हम बना रहे हैं इसके लिए मैंने लैवेंडर एसेंशियल ऑयल लिया हुआ है क्योंकि आपको पता ही होगा लैवेंडर एसेंशियल ऑयल का क्या प्रॉपर्टीज़ है बहुत ही कामिंग होता है बहुत ही रिलैक्सिंग और कामिंग इफेक्ट देता है जब हम लैवेंडर एसेंशियल ऑयल किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ में यूज़ करते हैं तो सो so, uh, ताकि यू नो बेबीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग हो तो मैंने यहाँ पर लैवेंडर एसेंशियल ऑयल लिया हुआ है सो so, अब मैं आपको बताती हूँ ये सिंपल और इजी रेसिपी बेबी पाउडर बनाने के लिए अभी इस uh, रूट पाउडर में हम ये रोज क्ले डाल देंगे और केलिन क्ले इसका प्रॉपर रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो आप प्लीज़ उसका प्रॉपर प्रपोर्शन चेक करके बना दीजिए क्लेज बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए यू नो you know, इसमें कंपेयर टू आरारूट पाउडर उसका क्लेस का प्रपोर्शन थोड़ा कम रहना चाहिए इसमें एंड जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए क्लेस और पाउडर उसके बाद हम इसमें अबाउट सेवन टू एट ड्रॉप्स ऑफ लैवेंडर एसेंशियल ऑयल डालेंगे बहुत ज़्यादा एसेंशियल ऑयल नहीं डालना है बिकॉज़ एसेंशियल ऑयल ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग होता है तो uh, अगर इसका क्वांटिटी आप बहुत ज़्यादा डालेंगे तो स्किन पे थोड़ा बर्निंग सेंसेशन हो सकता है तो रेकमेंडेड जितना है बॉटल पे उतना ही ड्रॉप्स आप डालेंगे यहाँ मैंने अबाउट सेवन ड्रॉप्स डाला है और बहुत अच्छी इसकी खुशबू ऑलरेडी आ रही है और ये डालने के बाद हम उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे सो वो एसेंशियल ऑयल पूरे हमारे पाउडर में अच्छे से ब्लेंड हो जाए ओके okay. तो अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया है एंड बहुत ही अच्छी खुशबू जैसे मैंने बताया आ रहा है इसमें से और अब आपके पास जो भी कंटेनर होगा यहाँ पे मेरे पास एक यू नो बेबी पाउडर का डब्बा है यहाँ पर तो मैं इस पाउडर को इसमें डाल दूंगी और ये आप कभी भी अपने बेबीज को लाइक यू नो आफ्टर बाथ स्नान के बाद कभी भी अगर उनको ज़्यादा पसीना आ रहा है अगर यू नो you know, एक अच्छी खुशबू के लिए एक अच्छे फ्रेगरेंस के लिए आप कभी भी ये आ, पाउडर आपके बेबीज को यूज़ कर सकते हैं और अगर ये स्पेशली सिर्फ बेबीज़ के लिए नहीं है अगर बड़े भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप भी यूज़ कर सकते हैं आप कोई और एसेंशियल ऑय्ज ऑयल यूज़ कर सकते हैं जैसे आपके पास बहुत ऑप्शन है रोज़ एसेंशियल ऑयल है अगर आपको थोड़ा सा मिंटी फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं यू नो मस्क का यू नो फ्रेगरेंस आप डाल सकते हैं बड़े लोगों के लिए यहाँ बच्चों के लिए बना रहे हैं इसके लिए फ्रेगरेंस ऑयल हमने यूज़ नहीं किया है कोई भी केमिकल नहीं यूज़ किया है सो so, इस तरीके से आप अलग फ्लेवर अलग एसेंशियल uh, ऑयल डाल के भी इस uh, ये यू नो पाउडर बना सकते हैं एंड ये एब्सोल्युटली नेचुरल है नो no केमिकल्स Uh, कोई भी चीज़ जो आपके बच्चे के बॉडी को इफ़ेक्ट करे यू नो इन अ बैड वे ऐसा कुछ भी नहीं है uh, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये बहुत ही ईजी बेबी पाउडर बने बनाने का रेसिपी आई होप आप सबको पसंद आया होगा आप डेफिनेटली ये ट्राई कीजिए अगर आपके बेबीज नहीं है खुद के लिए बना के आप ट्राई कीजिए और मुझे डेफिनेटली बताइए आपको कैसे लगा ये यूज़ करके यू नो you know, उसकी फ़ील कैसे आई क्या फ्रेगरेंस था डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं जो मैं शेयर आपके साथ करती हूँ आपको इससे कोई बेनिफिट मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए तो यू नो वो मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं और भी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ और जो मेरी नॉलेज है मैं आप सबके साथ शेयर करूँ थैंक यू सो मच फ्रेंड्स